नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो मंदिर में। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से कि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन यानी कि 11 जून 2020 का दिन कैसा बीतने वाला है। आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो बड़े ही ध्यान से और एकाग्रता के साथ वीडियो को आप सुनते रहें। मित्रों, सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। आज के दिन किसी भी कारण से आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा और इस वजह से आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा। इसलिए जिस काम को करने के बाद आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती हो, आज के दिन आप ऐसे काम को ही करें। यह आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं आपके धन संपत्ति के बारे में। तो पैसों के दृष्टिकोण से भी आपका समय सामान्य से खराब रहेगा। आज के दिन किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप धन संपत्ति का लेन देन करते हो तो लेन देन करते वक्त अपने व्यवहार अपने वाणी पर आप संयम रखें। आप तनाव बिल्कुल भी ना लें, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप गुस्से में और तनाव में धन संपत्ति का लेन देन करते हो तो वहाँ आपके पैसों का नाश हो जाएगा और इस वजह से आने वाले वक्त में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य है, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। आज के दिन अगर अपने घर परिवार में आप कोई बदलाव करते हो तो बदलाव करने से पहले अपने घर वालों के साथ आप वार्तालाप कर लें। घर वालों के साथ वार्तालाप करने के बाद ही आप कोई बदलाव करें, अन्यथा आपका पारिवारिक जीवन खराब हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आपका समय सामान्य है। आज के दिन प्यार मोहब्बत के मामले में अगर आप कोई फैसला करते हो तो फैसला करते वक्त आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी में किए गए फैसले की वजह से आपका प्रेम संबंध खराब हो सकता है। इसके बाद है आपका कामकाज। तो कामकाज के दृष्टिकोण से आपका समय सही रहने वाला है। आज के दिन अपने कामकाज में अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप पूरे मन से पूरे आस्था से पूरे एकाग्रता के साथ काम करते हो तो आपका कामकाज बेहतर होगा और आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी काफी ज्यादा मिलेगी। इसके बाद है आपका वैवाहिक जीवन। तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है। आज के दिन अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध को आप अच्छा और मजबूत करने का प्रयास करें। दोस्तों, आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्यशाली अंक है आपके लिए 2 यानी कि 2। इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। मित्रों, उपाय बहुत सामान्य है। आज के दिन आपके घर के आसपास आपके आसपास जो भी गरीब हो, लाचार हो, बेबस हो, भूखा हो, ऐसे लोगों की आप सहायता करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका समय शानदार हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं होगी।
तो मित्रों यही था आपके आज के दिन का राशि फल। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें ताकि आपके संपर्क में जो भी लोग हों वो इस वीडियो को देखें और अपने समय को बेहतर और शानदार बना सकें। धन्यवाद।